सेंधवा में मणिपुर हिंसा के विरोध में जयेश और आमुस ने रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, की मणिपुर में शांति बहाली की मांग। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिलेश शर्मा, SNN 7 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर सेंधवा से है, जहां मणिपुर में चल रही हिंसात्मक गतिविधियों के विरोध में जयेश एवं आदिवासी मुक्ति संगठन ने रविवार शहर के एबी रोड से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली एबी रोड से एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मणिपुर हिंसा को तत्काल रोककर वहां शांति बहाल कर सुकून से जीने की व्यवस्था की मांग की गई। रविवार दोपहर को हुए इस विरोध प्रदर्शन में आदिवासी मुक्ति संगठन महासचिव गजानन ब्राह्मणे, जयेश जिला अध्यक्ष मोन्टू भाई सोलंकी, राजेश कनोजे, सिलदार सोलंकी, अनिल रावत, गेंदाराम डावर सहित बड़ी संख्या में आमुस एवं जयेश के लोग शामिल हुए। जयेश जिला अध्यक्ष मोन्टू सोलंकी ने बताया कि मणिपुर में हुई हिंसा और आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप कर मानव जाति को शर्मसार करने वाली घटना के विरोध में सेंधवा से आदिवासी समुदाय भवन से आज सर्व आदिवासी समाज द्वारा ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन जताया। क्या मामला है, किस कारण ज्ञापन सौंपा है और किस कारण विरोध जताया? अभी जो है हम लोग ज्ञापन दिए हैं अनुविभागीय अधिकारी सेंधवा को, मणिपुर हिंसा को तत्काल रोकने व पिछले 2.5 महीने से मणिपुर में अशांति फैली हुई है। कई सारे जो है आदिवासी के साथ में अन्याय हो रहा है और कई सारी आदिवासी महिलाओं की हत्या हुई है, उसी के साथ में जो है गैंगरेप हुए हैं और इसमें कई सारे जो है गांव उजाड़े गए हैं, उसी के साथ में कई सारे हिंदू धर्म को छोड़ के जो दूसरे अन्य धर्म के लोग हैं, जैसे ईसाई धर्म के जो है कई सारे गिरजाघर तोड़ दिए हैं। इस प्रकार से जो है 2.5 महीने से जो है पूरा मणिपुर जल रहा है, उसको लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया और गृह मंत्री जी अभी तक जो है इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे। क्या हमारे देश का एक राज्य मणिपुर खत्म हो जाएगा तब वो बोलेंगे? इसीलिए हम जो है हमारी बात यहाँ बोलने के लिए आए हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी आप मणिपुर को लेकर कुछ कहें, मणिपुर में शांति लाए। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, आप जो है हमारे नाम पर जो है बैठी है, हमारे कोम से आती है, तो वहाँ की आपकी बहन के ऊपर जिस प्रकार से जो है सामूहिक बलात्कार होता है और उनको गोलियों से मारा जाता है और उनकी लाशों को कीड़े मकोड़े और जानवरों के हवाले कर देते हैं और आप चुपचाप बैठे, तो यही बात बोलने के लिए हम लोग आए हैं। और अगर आज ज्ञापन देने के बाद में मणिपुर में जल्दी से जल्दी अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शांति बहाल नहीं करते हैं, तो हम बड़वानी जिला और मध्य प्रदेश के आदिवासी जो है आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। तो ये बात को लेकर आज हम लोग आए हैं। आज सर्व आदिवासी समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, विरोध प्रदर्शन भी किया है, क्या मामला है और किस कारण विरोध जताया? मणिपुर में जो पिछले 2.5 माह से जो आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो इसके विरोध में हमने पूरी जो हमारी मध्य प्रदेश की जो आदिवासी पूरे समस्त आदिवासी संगठन सभी ने डिसाइड किया और आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है, कैंडल मार्च किया है और हमारी सरकार से एक ही मांग है कि सरकार जो आदिवासियों के साथ में आए दिन जो गलत हरकतें हो रही, अन्याय अत्याचार कर रही है, जैसे आपने देखा सीधी में ऐसा हुआ है, नीमच में ऐसा हुआ है और हमेशा कहीं ना कहीं आदिवासी के साथ में इस प्रकार की घटना हो रही है और सिर्फ आदिवासियों के साथ ही हो रही है और सरकार चुप बैठी है। अगर सरकार इसी चुप बैठेगी तो इस सरकार को हम आने वाले समय में बता देंगे कि आदिवासी की ताकत क्या है। हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि अगर हमारी किसी बहन के साथ में अगर मणिपुर में गलत हुआ है और हमारे यहाँ पर नहीं हो जाए, इसलिए हम ये पूरी ताकत के साथ में यहाँ पर आए थे और हमने हमारी ताकत दिखाई। हम चाहते हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी और जो भी बीजेपी के बड़े नेता है वो जाए और उनका जो कर्तव्य है उसको निभाए। अगर नहीं निभाते हैं तो आने वाले समय में उनको उनको कर्तव्य से बाहर करके और हम हमारी आदिवासी सरकार बना के हमारा हक और अधिकार की लड़ाई जीत लें।